हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको टाइप सी चार्जिंग जैक को रिप्लेस करना सिखाने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी लोग आजकल चार्जिंग बोर्ड को ही चेंज कर देते हैं। अगर आप लोग को सीखना है किस तरीके से चार्जिंग जैक को रिप्लेस किया जाता है तो आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। ज़्यादा अगर रिपेयरिंग पे शौक रखते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं। सबसे पहले इसको पीसीबी होल्डर में इस तरीके से लगा लेंगे और ध्यान से नीचे कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, वरना काफी बार पीसीबी होल्डर से कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं। तो इसको इस सही तरीके से आप इसको लॉक कर दीजिएगा। इस तरफ से इसके कनेक्शन है तो इस तरफ से इसको निकालना रहेगा। तो यहां पर देखिए, इसको हमने लॉक कर दिया है जितना इसकी लिमिट है, और यहां पर इसमें हीट देके इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए एसएमडी में हीट कम से कम 350 से 380 तक, ज्यादा से ज्यादा 400, और जो एयर है 1 से 2 के बीच में रखनी है। और इसके ऊपर आपने फ्लक्स लगा लेना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो फ्लक्स इसके ऊपर लगा लिया है सही तरीके से। और वैसे सोल्डरिंग आयरन से भी इसको हम निकाल सकते हैं। अगर सोल्डरिंग आयरन आपका ज़्यादा टेम्परेचर वाला तो इसको हीट करके आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी निकाला जा सकता है। वैसे मैं बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं, तो आज इसको मैं एसएमडी मशीन से निकालने वाला हूँ। तो एसएमडी मशीन जो मेरे पास है वो डिफरेंट टाइप की है, तो उसमें हमने सेट की हुई है हीट जितना मैंने आपको बताई थी। तो चलिए, अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मूव करते रहेंगे। एक जगह फिक्स नहीं रखना है, मूव करते रहना है इस तरीके से। मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। चलिए, अब इसको मूव करते रहना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से देखते हुए रहना है। जब आपको लगे कि ये पूरा ढीला हो चुका है तो तब जाके आपको इसको ऊपर को निकालना रहेगा। तो देखिए, इजीली ये निकल चुका है। अब यहां पर देखिए, एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि जब आप इसको ऊपर निकाल रहे हो उस वक्त एकाएक इसको खींचना नहीं है, इससे आपके जो ये पॉइंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ये पूरा प्रिंट उखड़ सकते हैं। अभी देखिए, इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए अच्छी क्वालिटी का डी सोल्डरिंग वायर या डी सोल्डरिंग विक होना जरूरी है, उससे आपका ये पॉइंट सही तरीके से क्लीन होंगे। अभी देखिए, पूरा पहले इसमें पेस्ट को लगाइए, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो, नहीं तो नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद डिसोल्डिंग वायर को यहां से हमने स्टार्ट करना है चलाना। देखिए, अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर लगे हाथ बता भी देता हूं, जो स्मोक है आपको नुकसान कर सकता है। तो मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपको एक वीडियो के द्वारा समझाया कि इस तरीके से एक एग्जॉस्ट फैन आप बना सकते हैं इजीली, जिससे ये स्मोक आपका फेस पे नहीं आएगा। तो ये एग्जॉस्ट फैन इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बहुत इजी है। ये स्मोक डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में ही आएगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एग्जॉस्ट फैन बना सकते हैं घर पे। देखिए, फाइनली ये क्लीन हो चुका है सही तरीके से। अभी इसको क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर लेना है। और जो इसमें हम जैक लगाने वाले हैं, देखिए सेम साइज का है, और यहाँ पर आप चेक भी कर लीजिएगा कि फिट आ रहा है कि नहीं। देखिए, बिल्कुल इसमें फिट आ रहा है, इसमें कोई भी जुगाड़ तरीका नहीं है, ये इसी साइज का हमने लिया हुआ है। और चार्जिंग जैक जुगाड़ वाला इसमें चलता ही नहीं, टाइप सी में इसमें उसी साइज का चलता है जिस साइज का आपका ये बोर्ड हो। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सही तरीके से क्लीन कर लिया है। देखिए, वो पूरा सही तरीके से क्लीन हो चुका है। आप लोग को ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये सब कमाल है अच्छे वाले डिसोल्डरिंग वायर का और अच्छे पेस्ट का, उससे ज़्यादा अच्छा है ना परफॉर्मेंस मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम जैक को सेट करने वाले हैं, एक काम उसमें करना है। इस तरीके का सोल्डरिंग पेस्ट आता है, ठीक है, तो इसको हमने पहले जैक पे इस तरीके से लगा लेना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको सही तरीके से हमने, ये देखिए, इससे क्या होगा वो सही तरीके से सेट होगा, तो इसको लगाना मत भूलिएगा पहले। ये देखिएगा, इससे सही तरीके से इसको हम बोर्ड पे सेट करेंगे, वरना एक पॉइंट भी रह जाएगा तो फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग जो भी इसमें रहेगा वो सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहां पर भी लगा लेना है, ठीक है, इन पॉइंट्स में भी लगा लेना है। और इसको एक बारी सही तरीके से देखिए, और
तो यहां पर भी मैंने ऊपर से लगा लिया है। अब देखिए इसके ऊपर जो जैक हमने सेट करा था, यानी कि जो जैक हमने तैयार करा था, उसको इसके ऊपर लगा लेना है। और ध्यान से देखते हुए पहले इसके जो ये पॉइंट्स हैं, इसके बेस के पॉइंट्स, उनको हमने सोल्डरिंग करना है यहाँ पर सही तरीके से, और उसके बाद मैं इसके मेन पॉइंट्स पे सोल्डरिंग करूँगा। तो पहले इसके बेस के पॉइंट्स को हम सोल्डरिंग करेंगे। एक पॉइंट ये है इसका और एक पॉइंट, पहले साइड के दो हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो चुके हैं, अब इसके मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। अब काफ़ी बार दिक्कत लोगों के साथ क्या होती है कि यहाँ पर इनको सोल्डिंग करते समय ये पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, तो ये जो समस्या है जिन जिन के साथ बनती है, तो यहाँ पर देख लो किस तरीके से करना है। बारीक वाले सोल्डरिंग आयरन को आप ले लो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो, अगर आपको धीरे धीरे अगर आदत बढ़ जाती है तो आप बड़े वाले सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। अब यहीं पर देख लीजिएगा मेरे पास जो सोल्डरिंग आयरन है वो काफ़ी बड़ा वाला है, तो इसी से मैं सेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसी की आदत है, तो इसी से मैं सेट कर लेता हूँ। देखिए इसी से मैं सेट कर लेता हूँ क्योंकि इसी की आदत मुझे पहले से है, और कोई भी पॉइंट टच नहीं होता। देखिए कोई भी पॉइंट आप उसमें टच नहीं होगा। ये देखिए सही तरीके से मैंने यहाँ पर सभी को सोल्डिंग कर लिया है। अगर कोई छूटा होगा तो सही तरीके से उसको देख के लास्ट में उसको भी सोल्डिंग कर दूंगा। तो देखिए अब इसके जो ये पॉइंट्स हमने छोड़े थे, यानी कि छूट गए थे, उनको भी हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो इनको भी हम सोल्डिंग कर लेते कुछ इस तरीके से। देखिए फाइनली काम हो चुका है और बस इसको क्लीन करना रहेगा और इसको फाइनली चेक करना रहेगा, बाकी हो चुका है पूरा सही तरीके से काम। ये देखिए इस तरफ भी आ गया, अब इसको क्लीन कर लेंगे हम। और एक बार इसके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं सोल्डिंग हुई कि नहीं। देखिए हो चुके हैं, मुझे लगता है कि एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, तो उसको भी सही तरीके से सोल्डिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इधर से देखिए ये सब सोल्डिंग हो चुके हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पर अटैच नहीं है एक दूसरे से। देखिए इस तरह से भी देख लो कोई भी टेढ़ा इसमें नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्टली ये काम हुआ है। चलिए इसको साफ करता हूँ। तो फाइनली मैंने इसे क्लीन कर लिया, पूरा बोर्ड आप देख लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे भी कोई प्रिंट डैमेज नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखिएगा भाई कैसा लगा कमेंट करके बताना यार, मेहनत तो करी है। ये चीज़ शॉर्ट्स में भी मैं बता सकता था, बट एक एक करके समझाना भी अपने आप में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारीकी से समझा कर बहुत लोगों को अच्छी तरीके समझ में भी आती हैं। आप लोग की क्या राय है, मुझे शॉर्ट्स में ये चीज़ सिखानी चाहिए थी या फिर लंबी वीडियो बनाकर, मुझे कमेंट करके बताना। अभी इसको चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए इसको मैंने वोल्टेज दे दिया है और ये रख लिया मल्टीमीटर, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर हमने वोल्टेज चेक करना रहेगा। चलिए पहले इस तरीके से कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना रहेगा। तो इस कैपेसिटर पर वोल्टेज इस तरीके से देख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए 5.3 वोल्ट इसमें आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।